कल के सत्र में सोने में फिर से अच्छी तेजी दिखी। एमसीएक्स पर रिकॉर्ड के बेहद करीब कल सोना चला गया था, 56,550 के आसपास कल सोना इंट्राडे में चला गया था। हालांकि रिकॉर्ड हाई 56,562 रुपए का था जो हमने सोमवार को देखा था, लेकिन आज कैसी शुरुआत हुई है देखिए। एमसीएक्स पर हल्की तेजी के साथ 56,300 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। चांदी की बात करें तो कल 936 रुपए की गिरावट के साथ चांदी बंद हुई थी, आज भी 225 रुपए से ज्यादा की कमजोरी शुरुआती कारोबार में दिख रही है। 68,000 के अब नीचे जाने के लिए चांदी तैयार है। बाकी क्रूड पर अगर नजर डाले तो क्रूड देखिए कल 1% गिरा था। WTI क्रूड में 9 दिनों के बाद कमजोरी दिखी थी। अब MCX क्रूड की बात करें तो 6,450 के नीचे 0.2% नीचे आज कारोबार कर रहा है। बेस मेटल्स एल्युमिनियम कमजोर है 221 के आसपास, लेड कमजोर है 189 के आसपास, कॉपर पर भी दबाव है 770 के नीचे, जिंक 288 के आसपास आ गया, 0.5% तक की गिरावट यहां भी दिख रही है। एग्री मार्केट की बात करें तो 0.25% की तेजी आज जीरे में दिख रही है। जीरा मार्च वायदा 35,350 रुपए के ऊपर चला गया है। कॉटन सीड ऑयल केक 2,935 रुपए के आसपास हल्की तेजी दिख रही है। ग्वारगम 0.5% से ज्यादा की कमजोरी दिख रही है। कल 14,000 के ऊपर ग्वारगम का वायदा चला गया था और ग्वार सीड का वायदा अब 6,400 रुपए के नीचे आ गया है। आज यहां पर गिरावट दिख रही है, लेकिन दिन के कारोबार के दौरान किस तरह का एक्शन रहता है क्योंकि यूएस को लेकर मंदी की चिंता बढ़ गई है। यूएस फेड अधिकारियों ने कहा है कि ब्याज दरों में इतनी जल्दी कटौती की संभावना नहीं है और ब्याज दरें 5% के ऊपर भी फेड की दरें जा सकती है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स के बीच में आपको बुलियन एनर्जी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी है, मेटल में कैसे ट्रेड करना है बताएंगे 11:30 पर मुनाफे की मंडी में।